हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जफर फार्मासिस्ट। हमारे चैनल एमजेड हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कील मुहासे यानी एक्ने पिंपल के इलाज के बारे में। दोस्तों, एक्ने पिंपल की समस्या एक आम स्किन संबंधी समस्या है जो किसी भी एज के व्यक्ति को हो सकती है। जिन लोगों की स्किन ज़्यादा ऑयली होती है उन्हें ये समस्या ज़्यादा परेशान करती है और वो लोग इसे ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा तला भुना खा लेने से ये समस्या होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये त्वचा विकार हमारी स्किन के भीतर तेल बनाने वाली ग्रंथियों और बालों के रोम हमारी स्किन के नीचे मौजूद होते हैं। ये रोम हमारी त्वचा के भीतर मौजूद टिश्यू जैसी कई संरचनाओं से बने होते हैं जो बालों के विकास में मदद करती हैं। तेल बनाने वाली ग्रंथियां जब तेल का उत्पादन करती हैं तो आपकी स्किन के साथ साथ आपके बालों को भी मॉइस्चराइज करती हैं। मुहासे की समस्या तब पैदा होती है जब स्किन से निकलने वाले ऑयल का उत्पादन बढ़ जाता है, लेकिन स्किन सेल्स फैलाव में कमी आ जाती है। इस स्थिति के कारण स्किन सेल्स ब्लॉक हो जाते हैं और उनमें मौजूदा ऑयल वहीं रुक जाती है। ऑयल के स्किन में जमा होने के कारण बालों के रोम में मौजूदा बैक्टीरिया पोर्स को बंद कर देता है। मुहासे जवानी में लड़कों और लड़कियों को दोनों को निकलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 40 से 50 साल तक के लोगों को ही मुहासे निकलते हों। ये किसी भी उम्र में आपको अपना शिकार बना सकते हैं। आइए, मुहासों से छुटकारा पाने के लिए इनका इलाज कैसे करें। एक्ने पिंपल को खत्म करने के लिए एक्निस्टार क्रीम और एक्निस्टार सॉप मार्केट में आते हैं। इनको मैनकाइंड फार्मा बनाती है। इनका इस्तेमाल कील मुहासे एक्ने पिंपल को ठीक करने के लिए किया जाता है। एक्निस्टार क्रीम के कंटेंट की बात करें तो इसमें क्लिंडामाइसिन 1% और निकोटिनामाइड 4% है। अब जान लेते हैं एक्निस्टार सॉप के कंटेंट के बारे में। इसमें बेंजोइल पेरोक्साइड 2.5% है। अब जान लेते हैं इनके इस्तेमाल के बारे में। आपको सॉप से अच्छी तरह मुंह धोना है। सौंफ का इस्तेमाल आप दिन में 2 या 3 बार कर सकते हैं और एक्निस्टार क्रीम का इस्तेमाल आप रात को अपने चेहरे पर हल्के हाथ से लगाएं और सुबह होने पर धो लें। ऐसा आप 20 से 1 महीने तक करें, आपका चेहरा एक्ने पिंपल से मुक्त हो जाएगा। ऐसी ही दवाइयों से जुड़ी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।